गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे डायमेंशन ज्योमेट्री। डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में भी हाइपरबोल, कोनिक सेक्शन ये हाइपरबोल। हाइपरबोल कोनिक सेक्शन मीन हाइपरबोला, इट मीन हाइपरबोला द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए डायरेक्ट द रेशियो ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स विल बी कॉन्स्टेंट। It is called to the E eccentricity. It is called to the eccentricity E and the for hyperbola for E belongs to one to infinity. E belongs to the so that point the ratio distance from a fixed point focus and a fixed line and from a fixed line directly is called to the E is greater than 1. E is greater than 1. अच्छा, फोर अगर मान लिया कोई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो है, एक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो है और कोई फोकस है, फोकस का जो है एफ है, फोकस इसका एफ जो पॉइंट है वो है अल्फा बीटा और कोई पी पॉइंट से जो है यह है वो पी पॉइंट मूव है एक्स वाई, तो पी एफ इक्वल टू ई पी एम, पी एफ इक्वल टू ई पी एम, पी एफ इक्वल टू क्या जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस वेयर ई इज ग्रेटर देन वन, दैट इज कॉल्ड टू द दैट इज देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर ये जनरल इक्वेशन है इसकी, इसे सोल्व करके ये इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो विच रिप्रेजेंट हाइपरबोला, विच रिप्रेजेंट हाइपरबोला इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, विच रिप्रेजेंट अगर मान लीजिए कोई जनरल इक्वेशन आ गई रिप्रेजेंट हाइपरबोला आ गई एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो और डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस टू एफ जी एच is not equal to zero, that is equal to the hyperbola. यानी कि ये इसकी शर्त हो गई हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो
एंड ए बी सी टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी एच स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसके लिए आ गई, ये इसके लिए शर्त हो गई, ये कंडीशन है फॉर द हम। क्या है अब द लाइन आगे क्या है, द लाइन पासिंग थ्रू एफ, द लाइन पासिंग द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एफ, द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एफ एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, मान लिया कुछ फोकस एस है, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एस एंड एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल एक्शन, इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल एक्शन, इज कॉल्ड टू द ट्रांसवर्सल एक्शन और मेजर एक्शन, और क्या है मेजर एक्शन और एक्सर, ए लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड टू द ट्रांसवर्सल एक्सर और मेजर एक्सर और फोकस एक्सर। इसी तरह दूसरा एक्सर कौन सा होगा, माइनर और माइनर और कंजुगेट अक्षर, दूसरा क्या माइनर और कंजुगेट अक्षर, दूसरा क्या माइनर और कंजुगेट अक्षर, माइनर और कंजुगेट अक्षर, देयर इज अनदर there is another axis is called the minor or conjugate axis is perpendicular to the bisector of AA dash, is perpendicular to transversal A ko jo bisector karta bisector of AA dash ya kehte transversal bisector of A dash या transversal भी figure number में A dash is called to the conjugate A dash, तो मैंने दिए का figure है इनको बोले bisector of transversal axis is called minor axis, is called to the minor axis, is called to the minor axis। अगर मान लिया ये कोई graph है, ये क्या है, जैसे मान लो सपोज
ये सी सेंटर है। सी सेंटर है एम एम डैश, ये मान लिया। हाँ एफ है, ये एफ डैश है, ये एफ है, ये एफ डैश है, ये मान लिया ए है, ये ए है, ये ए डैश है, एल है, ये एल डैश है, ये पी एफ है, पी एस है, ये एस पी है। अगर एफ पी माइनस के एफ डैश पी आ गया, ठीक है, अगर एफ पी माइनस के एफ डैश पी आ गया, इट इज कॉल्ड टू द ट्रांसफर स्ट्रक्चर ए डैश, इज कॉल्ड टू द ए डैश इक्वल टू इज हेयर इज ए डैश इज ट्रांसफर स्ट्रक्चर। इफ एस पी माइनस एस डैश पी इज कॉल्ड टू द ट्रांसवर्स एक्सेप्ट। अब मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है इसकी, इसकी इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, और इसकी भी क्या है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, इसकी भी लाइन की इक्वेशन है। फ्रॉम द पी पॉइंट दोनों का डिफरेंस इसका फोकस का इसका पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल टू क्या आता है पोअर हाइपरबोला ट्रांसफर लेक्चर एस पी माइनस एफ डैश पी इक्वल टू टू ए डैश। अगर लेटस रेक्टम ऑफ ए हाइपरबोला, लेटस रेक्टम ऑफ ए हाइपरबोला माये, ये तो यह है ट्रांसवर्सल एक्सर आ गई, ये कौन सा होगा, ये कंजुगेट एक्सर आ गई, अगर लेटस रेक्टम क्या है लेटर रेक्टम मीन्स द डबल ऑर्डिनेट, लेटर रेक्टम मीन्स क्या है डबल ऑर्डिनेट थ्रो द फोकस टर्मिनेट बाय द टर्मिनेटेड बाय द कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड टू द इज कॉल्ड टू द डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड टू द टर्मिनेटेड बाई डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस टर्मिनेटेड बाई द कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड टू द लेटस रेक्टम, इज लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हेयर इज लेटर हेयर इज लेटर रेक्टम इज पी क्यू एंड देयर इज देयर इज आर क्यू एंड आर आर डैश टू डैश देयर इज आर क्यू एंड आर टू डैश देयर इज
आर क्यू एंड आर क्यू डैश। अगर पी को उसको मान लीजिए, जब भी कोई दिक्कत नहीं है तो पी अगर मान लेंगे, जब भी एक ही बात है यहां से, जो आर डैश क्यू एक ही बात है, आर द डबल ऑर्डिनेट इक्वल टू क्या आएगा, आर क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू आर डैश क्यू डैश लेटर डबल ऑर्डिनेट, तो कितना जाएगा ये टू मल्टीप्लाई ई, यानी टू मल्टीप्लाई एफ आर, टू मल्टीप्लाई एफ आर क्या आएगा, टू मल्टीप्लाई एफ आर, या कहते हैं एफ पी कर दो ऐसे भी, अच्छा ये पी कर दो, अगर पी भी ना है पी कर दो ऐसे भी आसानी रहेगी, टू मल्टीप्लाई एफ पी और पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू ई, तो पी एफ इक्वल टू ई पी एम, तो क्या है टू मल्टीप्लाई ई पी एम, टू मल्टीप्लाई ई पी एम, टू मल्टीप्लाई बाई ई पी एम, और ये डेफ जो पैरल पी एम क्या इक्वल होगा एफ एल के इक्वल होगा, डेफिशन हो पैरल दोनों जिस टाइम इक्वल, पी एम इक्वल टू टू मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई एफ एल, क्या है टू मल्टीप्लाई ई इंटू एफ एल, एफ एल क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, टू मल्टीप्लाई ई डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है पी एफ इक्वल टू लेटर रेक्टम, लेटर रेक्टम लिया मीन पी क्यू इक्वल टू पी डैश क्यू डैश इक्वल टू, यह आ जाएगा टू मल्टीप्लाई ई इंटू डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, या डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये आ गया फॉर एग्जाम्पल थ्रू दैट through that the locus of the center locus of center of the circle through that locus of the center of circle which touches two given which touches two given disjoint through that locus of center or circle which touches two given disjoint circle externalities in
हाइपरबोला। मलेश जी जॉइंट सर्किल है, ये क्या है जी जॉइंट सर्किल है ये वाला? एक तो ये वाला है भाई, ठीक है, ये कौन सा है? ये वाला है, ये कौन सा है? ये वाला है। इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। ये सर्कल है, इसका मान लीजिए सर्किल है, ये एस है, इसके वाला S1 है, फिर क्या है ये? S2 है, क्या है? S2 है। इसका सेंटर C है, C2 है, उसका सेंटर इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस है R। तो C1 क्लियरली, C1 कितना जगह यहां से? R प्लस के R, C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? R प्लस के R1। C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R प्लस के R2, R प्लस के R2। सर में क्या कर लेंगे? कितने हैं? माइनस कर ले, क्या आ गया? इक्वल टू R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? ये हो गया कॉन्स्टेंट, जिससे ज्यादा भी कॉन्स्टेंट आनी चाहिए। इसका मतलब क्या आ गया? द लोकस ऑफ द सेंटर है ओवर हैविंग फोकस C1 एंड C2, द हैविंग फोकस द C1 एंड C2, C1 एंड C2, इट मीन हैविंग फोकस C1 एंड C2, दैट डिफरेंस इज मान लिया कोई एक वेरिएबल सर्किल है, लेट ए वेरिएबल सर्किल एस, एस क्या है? एक वेरिएबल सर्किल है, एस क्या है? लेट एस हैविंग ए वेरिएबल सर्कल, ए वेरिएबल सर्कल हैव रेडियस इज आर। एक सर्कल है, हैविंग ए सर्कल, एक सर्कल है, इसकी रेडियस एक सर्किल है, इसकी रेडियस सर्किल की हैविंग रेडियस कितनी है? सर्किल की रेडियस कितनी है? आर है। इसकी रेडियस कितनी है? आर है। लेट एस हैविंग ए वेरिएबल सर्किल हैविंग रेडियस इज आर, एक सर्कल जिसकी रेडियस, और टू देर आर टू जॉइंट सर्किल देर इज रेडियस इज R1 एंड R2। अब क्या निकाल लिया? पहले मैंने C7 निकाल लिया, फिर क्या निकाल लिया? C7 2। मान लिया ये इसकी जो है फोकस हो गए और इसका सिक्स पॉइंट होगा, तो दोनों के जो निकल रहा था ना PF, PF डैश अभी से पहले निकल रहा था क्या? PF माइनस के PF डैश क्या आ गया था? कॉन्स्टेंट। तो सिमिलरली C1 और C2 ये वैल्यू निकाल ली, अब दोनों का डिफरेंस कर लिया, दोनों R1 भी कॉन्स्टेंट है, R2 दोनों का डिफरेंस विल बी ऑलवेज टू द कॉन्स्टेंट, हेंस दैट शुड विल बी द हाइपरबोला, इट विल बी द हाइपरबोला। ठीक है भाई, आगे अब देखो, क्या है ये? जैसे इक्वेशन है ये, ए 2x² प्लस 5xy
प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कोई फ्रैक्शन की इक्वेशन है विच कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट किया है, विच क्वेश्चन है, विच कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट द, विच कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट दिस। ये जो इक्वेशन है ये कौन सा कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करे, कोनिक सेक्शन मतलब सर्कल पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स कौन सा ये शो करती है। इस शो के लिए क्या कर लेता हूं मैं, इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ए एच जी एच बी एफ एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है भाई। ए की वैल्यू क्या आ गई यहां से, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एच, एच की वैल्यू क्या आ गई, टू एच एक्स वाई, टू एच एक्स वाई यानी फाइव वाई टू टू जी एक्स यानी माइनस इलेवन बाई टू, टू जी एक्स यानी माइनस क्या आएगा, माइनस इलेवन बाई टू। फिर एच, एच की वैल्यू है फाइव बाई टू, बी बी टू, एफ माइनस सेवन बाई टू, जी माइनस इलेवन बाई टू, एफ माइनस सेवन बाई टू, पी कॉन्स्टेंट माइनस फोर। यह आ गया भाई, इनको सोल्व कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा ये, वन बाई टू कॉमन ले रहे हैं, क्या आएगा इसमें से वन बाई टू, फिर इसमें से वन बाई टू क्या आएगा, ये वन बाई एट तो बाहर आ गया, फोर फाइव माइनस इलेवन फाइव फोर माइनस सेवन माइनस इलेवन माइनस सेवन माइनस एट, ये आ गया वन बाई एट। उनकी वैल्यू निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, उनकी वैल्यू निकाल लूंगा, क्या आ गया, इसकी वैल्यू निकाल लो क्या आ गया, क्या आ गया 100, हाँ क्या आ गया, क्या आ गया इसकी वैल्यू 162 अपॉन 8, 181 अपॉन 4, दैट इज इक्वल ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन से ये सेटिस्फाई होगा, कौन सा चाहिए, एक क्या निकाल लेते हैं, मैं निकाल लेते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, क्या आ गया एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच की वैल्यू क्या है फाइव बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए, एक ए की वैल्यू कितनी है टू, टू मल्टीप्लाई टू, क्या आ गया भाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो भाई ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर कैसा है, इससे मैक्सिमम होगा, इससे टू पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ फोर आएगा, टू पॉइंट टू का टू पॉइंट
समथिंग का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यही कर लो 2.5 का स्क्वायर माइनस 4, इससे बड़ा ही होगा, 2 का स्क्वायर तो इक्वल होता है, इज ग्रेटर देन जीरो, हेंस फॉर द इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर वैल्यू डिटरमिनेशन नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस विल बी दिस कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट टू द हाइपरबोला, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है भाई। आगे बात समझे भाई, तो ये इक्वेशन जो है, ये जो है कॉनिक सेक्शन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला, इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यह है, ये कोई हाइपरबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर,
यानी पी एफ टू एक्स क्या रहता है इसमें, सो की क्या होती है, माइनस सी यानी सी कोमा जीरो और माइनस सी कोमा जीरो, सो की क्या होती है सी कोमा जीरो और माइनस पी कोमा जीरो। ए वन क्या होती है इसमें, ए वन ए टू क्या है, ये ए वन ए टू और पी एफ टू माइनस पी एफ वन, इक्वल टू टू ए, सी एफ टू माइनस पी एफ वन इक्वल टू टू ए, मीन्स पी एफ टू मीन्स ये दिस, पी एफ मीन्स ये पी एफ टू माइनस पी एफ ए इक्वल टू ये दिस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है ऐसी सिचुएशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इफ इवेयर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक आगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, दैट इज, और ई इक्वल टू क्या होता है, वेयर ई इक्वल टू सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई, सी इक्वल टू क्या आ गया ए ई, सी इक्वल टू क्या आ गया ए ई, ये आ गया सी इक्वल टू ए ई, अच्छा ये क्या है इसमें, ये सी सी कोमा जीरो सी इक्वल टू ए ई, सी मीन्स प्लस माइनस, इट मीन्स वी कैन से माइनस ए ई कोमा जीरो और ए ई कोमा जीरो, ए ई कोमा जीरो इट मीन्स द फोकस पॉइंट इज ए ई कोमा जीरो ए ई माइनस जीरो, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अब इसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आ गया, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ इसकी, इस इक्वेशन की डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, इसकी इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, सिमिलरली फॉर दिस वी हैव द इक्वेशन ऑफ दिस एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, अब अगर मैं यहां से पी एफ वन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, यहां से मैं निकालना चाहता हूं पी एफ वन, पी एफ वन, पी एफ वन इक्वल टू ई पी एम वन, पी एफ पी यानी पी एफ अपॉन पी एम था नहीं है, यानी पी एफ वन अपॉन पी एम वन इक्वल टू ई पी एफ वन इक्वल टू ई पी एम वन, ई पी एफ वन इक्वल टू ई पी एम वन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी पी एम वन की, पी एम वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक्स माइनस ए अपॉन ई, क्या जाएगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई है, तो इसकी क्या आ जाएगी एक्स माइनस ए रूट अपॉन रूट वन का स्क्वायर आ जाएगा, जो मान लिया है एक्स माइनस ए अपॉन ई अपॉन वन का स्क्वायर जाएगी एक्स माइनस ए, क्या जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन ई, ई से दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ जाएगा
ई एक्स माइनस ए। तो पी एफ वन इज इक्वल टू क्या आ गया, ई एक्स माइनस ए। पी एफ वन इज इक्वल टू सिमिलरली वी कैन सोल्व पी एफ टू, सिमिलरली वी कैन सोल्व पी एफ टू। पी एफ टू मीन्स सिमिलरली पी एफ टू ई एक्स प्लस ए। पी एफ टू इज इक्वल टू पी एफ वन इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ए। पी एफ टू इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ए, इट मीन्स वी कैन कैलकुलेट पी एफ वन माइनस पी एफ टू। वी कैन कैलकुलेट पी एफ वन माइनस के पी एफ टू, क्या निकालेंगे, पी एफ वन माइनस के पी एफ टू, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। ई एफ वन की वैल्यू क्या आ गई, ई एक्स माइनस ए क्या आ गई, ई एक्स माइनस ए माइनस पी एफ टू की वैल्यू ई एक्स प्लस ए, ई एक्स प्लस के ए। पी एफ टू माइनस पी एफ निकालने, क्या निकालेंगे, पी एफ टू सॉरी पी एफ टू माइनस के पी एफ, क्या निकालेंगे, पी एफ टू माइनस के पी एफ वन, पी एफ टू माइनस के पी एफ वन। पी एफ टू मीन्स ई एक्स माइनस ए माइनस ई एक्स प्लस ए इक्वल टू इक्वल टू क्या आ गया, टू ए इस एक्स से ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, थ्री ए। तो एक यानी कि दोनों की जो डिफरेंस है ये जो है टू ए की इक्वल हो गया, दैट इज वही है कि दोनों का डिफरेंस टू ए हो। अच्छा अब इसका अगर पूछे कि लेटेस्ट रेक्टम क्या पूछता है, कहो अगर लेटेस्ट रेक्टम फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, बी स्क्वायर है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टू बी स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट लेटेस्ट रेक्टम इज टू बी स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज टू बी स्क्वायर अपॉन ए। इसके हो जाएंगे फ्ली, मान लीजिए इसका ये है लेटेस्ट रेक्टम, ये है इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या जाएगा, ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्या जाएगा, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसका क्या आ जाएगा, इधर से ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे लेटेस्ट रेक्टम के कॉर्नर के। अच्छा अगर ये हाइपरबोला है, हाइपरबोले में क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगी, एफ स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस बी वी स्क्वायर इक्वल टू वन, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ये आ जाएगी, एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से वो बताने बोले बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर वेयर
बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या कह लो ई स्क्वायर माइनस वन, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, क्या देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस के वन। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की क्या देंगे, ए अपॉन ई, इसकी ए अपॉन ई, इसके फोकस क्या जाएंगे प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो प्लस माइनस ए, लेंथ ऑफ द रेटस रेक्टम टू बी स्क्वायर अपॉन ए, टू बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे रेटस रेक्टम के, क्या जाएंगे ए ई कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ए ई कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एंड देयर इज माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए एंड माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है नाउ, अब अगर क्या है, अब जो जो ट्रांसल एक्सेल था अब एक्सल एक्सेल था, और जो कंजुगेट एक्सेल था वो वाई एक्सेल था, अब इसका अगर रिवर्स हो, इफ ट्रांसवर्स एक्सेल इज ट्रांसवर्स एक्सेल इज ट्रांसवर्स एक्सेल इज एक्स एक्सेल एंड कंजुगेट इज ट्रांसवर्स अक्षर इज एक्स अक्षर एंड कंजुगेट अक्षर इज वाई अक्षर है। अगर ट्रांसवर्स अक्षर इज एक्स अक्षर हो और कंजुगेट अक्षर इज वाई अक्षर हो, देन वी कैन से, तो इस तरह की फिगर आ जाएगी भाई, इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये क्वेश्चन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये आ जाती है। ये क्वेश्चन आती है भाई, एक तो ये थी, अब इसके लिए दूसरी पहले वाली क्या था ट्रांसफर के लिए, ये थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसके लिए ये थी। इसके लिए क्या जाएगा, ई क्या जाएगा, वन अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इट मीन्स फॉर विच वन अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू आ क्या आ गई, वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वन अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी। ये ई जो है इसेंट्रिसिटी है ही भैया, क्योंकि यहाँ के लिए कॉन्जुगेट जब एक्स एक्सल जो है ट्रांसफर हो, इसमें जो है वाई एक्सल क्या है ट्रांसफर है। अगर दोनों को मैं जोड़ता हूँ, दोनों क्या जोड़ता हूँ मैं, वन अपॉन ई स्क्वायर क्या आएगा, वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई स्क्वायर, वन अपॉन ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रखी है, और ई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन, इन्हें दोनों को क्या कर लिया, ये आ गए ए स्क्वायर आ गए, तो वन अपॉन ई स्क्वायर क्या आ गया, वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई का स्क्वायर बड़े ई स्क्वायर इक्वल टू वन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इसेंट्रिक हाइपरबोला एंड द कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला, इसेंट्रिक ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला, इसकी जो है दोनों के बीच रिलेशन क्या होती है, वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू वन। इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन बिटवीन द हाइपरबोला, हाइपरबोला कौन सा हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एंड इट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब आगे है अब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर और इक्विलेटर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलेटर, उधर सुनिए क्या होता है, अगर ये हो जाए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन है, ये हो जाए और इसमें क्या है वेयर फोर हाइपरबोला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाए If a equal to b है तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू वन, इफ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या क्या आएगा, वन ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, ई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वन, ई स्क्वायर इक्वल टू टू, ई इक्वल टू रूट टू, ई की वैल्यू क्या आ गई रूट टू। नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, नाउ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वी हैव एफ स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन, तुमने उनका एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर और इक्वेटर हाइपरबोला फॉर दिस e इक्वल टू एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट टू एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है भाई, आगे फोकस किया जाते हैं कि फोकस फॉर दिस फोकस इज प्लस माइनस रूट टू ए कोमा बी, यानी प्लस माइनस रूट टू कोमा जीरो, ये इसके फोकस हो जाते हैं, फोकी हो जाएंगे, फोकी हो जाएंगे इसके दो, और डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई था, नहीं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट टू, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी. अगर इस सच दैट टाइप वी हैव द एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड ई इक्वल टू रूट टी, दैट इज कॉल्ड टू द हाइपरबोला, दैट इज कॉल्ड टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलेटरल हाइपरबोला. फॉर दिस इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी है, इफ ए इक्वल टू बी फोकी कितना जाएगा प्लस माइनस रूट टू ए जीरो, डायरेक्टिव कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट टू, ये आ जाएगा. ठीक है भाई, आंसर आगे एक हुई लिस्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये लिस्ट है. और एक हाइपरबोला है, एक हाइपर बोला कि एक्स स्क्वायर इज अपॉन वन पॉइंट फोर्टी फोर माइनस इक्वल टू वन फोर्टी इक्वल टू वन वन अपॉन टू, ये तो इक्वेशन है, ये है कि ये है हाइपर बोले, दो इक्वेशन है कि आर कौन फोकल, आर कौन फोकल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, ये कौन फोकल है तो इनकी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, देखो भाई इक्वेशन दे रखी है ये वाली, क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन फोर्टी फोर माइनस
25 के जो है इसमें क्या कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्या आ गया 1। इस 25 को नीचे लिया है, क्या आ गया 1। ठीक है, मैं 4 की 5 पर बोला, ये दोनों जोड़ दूंगा, क्या आ गया 144। ये आ गया 9, क्या आ गया ये 9 आ गया, आ गया ये 9 आ गया। -3 क्या आ गया, -3 आ गया, क्या आ गया, लगते उसकी 4 की क्या आ गई, 4 की 5 पर बोला, 4 की 5 पर बोला। -3 × 0 4 की 5 पर बोला, क्या आ गया +-3/0 आ गया। अच्छा अब क्या निकालना है इसमें, और क्लिप की इक्वेशन ये दे रखी है, ये तो 3 = क्या जाएगा, 3 = 16 - 20 क्या जाएगा, ये इसका है रूट 3 - 16 - b का स्क्वायर, क्योंकि जो है ये कौन फोकल है, क्या है ये है, अच्छा जी जब कौन फोकल है, इसकी जो फोकी है, इसकी फोकी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगी, इसकी क्या आ जाएगी 16 - b² = ये आ जाएगा 16 - 0 आइसमें, इसे तो दोनों प्लस करके निकाल लीजिए, इसके दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, क्या आ गया 19 = 16 - b² 19 - 16 = -b² 19 - 16 = -b² और -b² = -7 -b² = 7 b = 7 तो b की वैल्यू √7 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी है b² = 7 और b की वैल्यू √7। देखो भाई क्या आ गया, ये इलिप्स है, ये क्या है, ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला की फोकी निकाल लिए, इन दोनों को प्लस करके ऐड कर दी, अब ये इलिप्स है, इन द इलिप्स की फोकी निकाल ली, ये हो गया इन दोनों को -3 - 16 - 20 अब दोनों कौन फोकल है, तो कौन फोकल है, दोनों इनकी क्या आएगी बराबर होगी, क्या आएगी 3 = 16 - b² 9 = 16 - b² 20² = 7 और b = √7 या नहीं, ठीक है भाई आगे बढ़े। जैसे If they are hyperbola, f square upon a square f square b square y square minus square equal to a square equal to n, ये गिवन है, इक्वेशन है हाइपरबोला की,
ये हाइपरबोला की क्वेश्चन है। पासिंग थ्रो फोकस ऑफ इलिप्स, पासिंग थ्रो, पासिंग थ्रो द, पासिंग थ्रो द फोकस ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसकी जो फोकी है इफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर पासिंग थ्रो द फोकी ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, देन फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स एंड देन फाइंड द then find the eccentricity of ellipse and hyperbola इन दोनों की eccentricity और hyperbola की eccentricity निकालनी है। अच्छा मैंने जैसे ही मान लिया ये कोई इलिप्स है, ये है इसकी जो ये फोकी है, इसकी फोकी से पासिंग थ्रू द फोकी ऑफ इलिप्स इससे यह इलिप्स होके जा रहा है, क्या जा रहा है इसके क्या है हाइपरबोला ये होके जा रहा है, इस तरह होके जा रहा है। अच्छा मान लिया ये अपने है ये इससे हो भी जा रहा है, इससे हो भी जा रहा है ये तो क्या आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू ए ई, बी इज इक्वल टू ए ई वन फोर हाइपर बोला, फोर हाइपर बोला, फोर हाइपर बोला B इज इक्वल टू ए वन, बी इज इक्वल टू ए वन, बी इज इक्वल टू ए वन इससे होके जा रहा है। अच्छा ये ए वन होगा इसके ये कोटी है B इज इक्वल टू ए वन, अब इसके क्या आ जाएगा ये क्योंकि ये क्यों है बिकॉज हाइपरबोला पासिंग थ्रू द फोकी ऑफ द इलिप्स, बिकॉज हाइपरबोला पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द इलिप्स तो B इज इक्वल टू ए वन। अच्छा और फोर इलिप्स के लिए क्या आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई वन का स्क्वायर एंड फोर हाइपरबोला ये क्या के लिए है फोर इलिप्स के लिए है और फोर हाइपरबोला, फोर हाइपरबोला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस ई टू का स्क्वायर, ई टू सॉरी फोर हाइपरबोला फोर ये क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई टू का स्क्वायर माइनस वन ये क्या के लिए फोर ये इसके लिए। मान लिया ये तो मान लिया पहली फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये क्या है सर। अब मैं जो है फर्स्ट और सेकेंड के इक्वेशन को रखना चाहूं, फर्स्ट और बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय द फर्स्ट बाय द इक्वेशन ऑफ लिखेंगे बाय द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखेंगे बाय द इक्वेशन, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन के इसे क्या लिखूंगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर ई वन, ए स्क्वायर ई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या कि ई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ई वन का स्क्वायर, इधर आ गया टू ई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन और ई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय टू, ई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय टू और ई वन इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू,
E1 की वैल्यू क्या आ गई हो, 1/√2 आ जाएगी। E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हो, 1/√2 आ जाएगी। सिमिलरली अब मैं सिमिलरली फर्स्ट एंड थर्ड, सिमिलरली बाय द फर्स्ट एंड थर्ड। अब इस तरह ही b इज इक्वल टू ए टी, ये रख लूंगा यहां से b इज इक्वल टू ए स्क्वायर e1 a² से e1 की वैल्यू 1/√2 रख लूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगी, e2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की वैल्यू क्या है, a² e1 का स्क्वायर e2 का स्क्वायर -1। a² 1 इक्वल टू e² e1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1/2 e2 का स्क्वायर -1। तो 2 इक्वल टू e2 का स्क्वायर -1, तो 3 इक्वल टू e2 का स्क्वायर, और e2 इक्वल टू √3। e2 की वैल्यू कितनी आ गई, √3, और e1 की वैल्यू क्या आ गई थी यहां से, 1/√2। इस तरह हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब आगे क्या है, इफ द लेटर रेक्टम, क्वेश्चन है आगे, इफ लेटर रेक्टम सब्टेंड, इफ लेटर रेक्टम सब्टेंड एट राइट, सब्टेंड ए राइट एंगल, सब्टेंड ए राइट एंगल, इफ लेटर रेक्टम सब्टेंड, इफ लेटर रेक्टम सब्टेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, x² / a² -y² / b² = 1, then find if lattice rectum substand a right angle at the center of the hyperbola x² / a² -y² / b² = 1, then find the eccentricity। मान लिया ये है लेटर मैक्सिमम सब्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, इसके ये जो है ये मान लिया यहां लेटर रेक्टम था, ये लेटर रेक्टम था, ये जो है उसके सेंटर में सब्टेंड कर रहा है राइट एंगल, जब राइट एंगल ये कर रहा है तो ये भी 90, तो ये भी 45 का जाएगा, ये भी 45 का जाएगा। मान लिया इसकी ये है पी क्यू है, ये क्या है पी है, ये क्यू है, ये ओ है, ये एफ है, अच्छा यहां से क्या आ जाएगा, ओ एस इक्वल टू ओ पी, क्योंकि 45 का है 90 का,
ये भी 45 है, जब अपोजिट ये 942 एंगल भी है, ये ट्रायंगल टू एंगल आर इक्वल देन देयर कोरिस्पोंडिंग इक्विलिब्रियम टू द साइड इन ट्रायंगल ओएसी इन ट्रायंगल ओ ए बी एस इज इक्वल टू बी है ओ पी इक्वल टू ओ एस इन ट्रायंगल ओ पी एस इन ट्रायंगल ओ पी एस बी है ओ एफ इज इक्वल टू ओ पी इन ट्रायंगल ओ एफ पी इन में ये क्या आ जाएगा ओ एस इज इक्वल टू ओ पी ओ एस इज इक्वल टू एस पी ओ एस इज इक्वल टू एस पी ओ एफ इज इक्वल टू एस पी क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है ये नहीं होना ओ एस इज इक्वल टू एस टू वी हैव ओ एस ओ एस क्या है सेंटर से उसकी डिस्टेंस ए कोमा जीरो ओ एस कितना है ए कितना है ए और एस पी एस पी मीन्स हाफ ऑफ द लेटर सेक्शन फुल ऑफ द लेटर सेक्शन कितना होता है टू बी स्क्वायर अपॉन ए इट इज द मिड पॉइंट एस पी ये होता है पी क्यू एंड एस पी विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए इट इज द लेटर सेक्शन ऑफ हाफ एंड इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर अपॉन ए इट मीन्स बी स्क्वायर अपॉन ए इट मीन्स E इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर E इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है E इक्वल टू ये होते हैं ना बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस के वन तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दूंगा ई स्क्वायर माइनस वन दिट मीन ई स्क्वायर माइनस के वन इन इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस के वन इट मीन ई स्क्वायर माइनस ई माइनस वन इक्वल टू जीरो और धराचार्य माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू भी दिस कैलकुलेट बताओ फिर क्या जाएगा धराचार्य करके E इक्वल टू क्या आएगा बी यानी बी धराचार्य से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इससे करी क्या आएगा ये करी क्या आएगा E इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव अपॉन माइनस करते नहीं ई इक्वल टू ये माइनस क्योंकि छोड़ देंगे कि ई की वैल्यू क्या है हाइपरबोला के लिए पॉजिटिव नहीं चाहिए यहाँ अगर माइनस के लिखिए तो माइनस आ जाएगी तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू ई की वैल्यू क्या आ जाएगी वन प्लस फाइव रूट फाइव अपॉन टू तो इस तरह की हम जो है इसी की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ईजी है जैसे कोनिक सेक्शन के जैसे बिल्कुल सेम एज इट इज सवाल है वही लगभग फॉर्मूले हैं जैसे पैराबोला के थे एज इट इज जस्ट सेम थिंग एज ए हाइपर बोला कोई एनी प्रॉब्लम ठीक है आज के लिए इतना ही है बेस्ट ऑफ लक थैंक्स ऑफ ऑल नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलते हैं।